एसपी सिटी विजय शंकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रेस को बताया कि परसुडी थाना क्षेत्र में पुलिस ने दूरंदेशी दिखाते हुए एक कारोबारी को पकड़ा है जिनके पास से 800 पैकेट ब्राउन शुगर बरामद हुआ है। 4000 रुपये नकद भी निकले हैं उनके पास से और इस ड्रग्स की कीमत यानी इस ब्राउन शुगर की कीमत लगभग 2 लाख रुपए आंकी जा रही है। कहा जाता है कि अभी अभी जेल से छूट कर आए थे और परोल पर हैं और वो अपनी पत्नी और एक और महिला के साथ मिलकर ये ब्राउन शुगर का काम धड़ल्ले से कर रहे थे, जिसकी सूचना पुलिस को मिली और उसके बाद पुलिस ने एक पूरा फुल प्रूफ प्लान बनाकर एक पूरा छक बिठाकर धर दबोचा तीनों को। तो ये एक बड़ी खबर थी और बड़ी उपलब्धि भी पुलिस के लिए भी और शहर के लिए भी। जिस तरह ब्राउन शुगर का लाया जा रहा है और आए दिन हम खबरों में आपको दिखाते भी आए हैं कि दूसरे स्टेट से भी लाकर बेचा जा रहा है, इससे ये ख़तरनाक चीज़ है नई पीढ़ी नई नस्ल के लिए। तो पुलिस का ये बहुत सराहनीय कदम, हम प्रशंसा करते हैं इन चीज़ों की। जैसे ही सूचना मिला तो इसके द्वारा इसी के छापामारी किया गया उनके द्वारा और वहाँ पे 800 पैकेट ब्राउन शुगर बरामद हुआ। तो इसके बाद पता, इसके अलावा 4000 कैश बरामद हुआ था और बाकी 32 पेटी ये मांस बरामद हुआ। तो इसमें ये है, तीन लोगों का गिरफ्तारी हुआ है। इसमें एक है आबिद खान और उसकी वाइफ है रूही प्रवीण है और उसके अलावा एक औरत और है जिसका नाम जरीना खातून। इसमें ये उल्लेखनीय है कि आबिद खान और रूही प्रवीण का पहले से अपराधिक इतिहास है और आबिद खान का सजा भी हो चुका है। इसमें अभी परोल पे बाहर था, बाहर आके फिर काम कर रहा था। तो इसमें काफ़ी बड़ा मात्रे में ब्राउन शुगर पकड़ाया गया है और हमें उम्मीद है कि इससे ड्रग्स को बढ़ा सकता है। और